ओके, फेसबुक बैन, ट्विटर बैन, इंस्टाग्राम बैन, व्हाट्सएप बैन, सब बैन होने जा रहा है। ये तो आप आज वही सुन रहे होंगे, ट्विटर पे वही ट्रेंडिंग है, यूट्यूब पे वही चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं वही बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेसबुक ने इस पे क्या रिप्लाई दिया है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ इसमें आपने सुना होगा कि ये जो सारे गाइडलाइंस है, ये एक कंपनी है जिसने एक्सेप्ट कर लिए है, जिसका नाम है कू ऐप। तो हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट होगा कि फेसबुक ने क्या रिप्लाई दिया है, और सेकंड बात होगी कि ये एक्चुअल में कू ऐप है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखना, और सीधा जाते हैं हम पहले पॉइंट पे। तो फेसबुक ने दोस्तों क्या रिप्लाई दिया है, तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर रिपोर्ट्स की माने तो फेसबुक ने ऑन ट्यूजडे ये कहा है, अ फेसबुक स्पोक्स पर्सन सेड, वी एम टू कंप्लाई विथ द प्रोविजंस ऑफ द आईटी रूल्स एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इशू विच नीड मोर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट। परस्यूएंट टू द आईटी रूल्स, वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव इफिशियंसिस। इन सब में उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, और उसी के साथ जो आईटी रूल्स है वो तो इनको फॉलो करने पड़ेंगे, और ये फॉलो करने वाले हैं, या फिर उनको लगता होगा कि ये रूल थोड़ा सा फ्रीली छोड़ना चाहिए, तो ऐसी भी बात चल रही है। लेकिन एक बात तय है कि ये सीधा बैन होने नहीं वाले हैं, और उसके साथ ये भी है कि इनको कुछ ना कुछ आईटी रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ने वाली है दोस्तों। तो अभी हम सीधा आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो बहुत लोगों को पता भी होगी, या फिर ऑलमोस्ट लोग हैं जिनको आज पता चली होगी ये कू ऐप। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं प्ले स्टोर पे, और आप प्ले स्टोर पे कू जैसे सर्च करते हो तो ये एक ऐप आपको देखने को मिलती है। अभी ये कू इंडिया है, मेक इन इंडिया कहते हैं इसको। 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.5 स्टार रेटिंग्स है। बहुत सारे लोगों को आज ही पता चली है ये ऐप क्या है, तो जल्दी से हम इसे ओपन करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हो गई है ऐप ओपन। हम जल्दी से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये यहाँ पे गलती हो चुकी है, हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नंबर डालने का रहता है, तो पहले हम नंबर डालेंगे, और जैसे आप नंबर डालते हो ये सब प्रोसेस है, ये सब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और रिफ्रेशिंग योर फीड, और ये देखिए, ये जस्ट लाइक एक ट्विटर है। तो हम पीपल देखेंगे, पीपल में ये देखिए बहुत बड़े बड़े नाम आ चुके हैं। हम फॉर एग्जांपल देखें अनुपम खेर, जो कि एक एक्टर है, तो ये सेम है दोस्तों, 832 के फॉलोअर्स बता रहे हैं, 22 फॉलोइंग है। आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो है ट्विटर की तरह आप ओपन कर सकते हो। रिक्यूज़, यहाँ पे रीट्वीट को रिक्यूज़ ऐसा कहा गया है। यहाँ पे थोड़े से सिम्बॉल्स चेंज किए गए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ये ऐप आपको डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर ट्विटर या फिर कुछ बैन होता है तो शायद इस पे आने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस। हैशटैग ये देखिए, यहाँ पे भी बैन ट्विटर, ट्विटर इंडिया, कोविड-19 बैन, फेसबुक, यही सब चालू है। ठीक है, फिलहाल तो आप इसे देख सकते हो, इन द न्यूज़ ये सब दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काम की लगी होगी दोस्तों।